तो अलंकार बड़ा ही आसान है, लेकिन इसका रियाज बड़ा मुश्किल है। जब इस आसान से अलंकार का रियाज करते हैं तो उससे स्वर को समझने में बड़ी वृद्धि होती है। ये ऐसा कोई रेयर अलंकार भी नहीं बताने जा रहा हूँ, बड़ा पॉपुलर अलंकार है, बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन बहुत से नहीं भी जानते हैं। तो आज उस अलंकार को रियाज करने का एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आसान से ही रियाज को आसान तरीके से समझना और उसे रियाज करना, लेकिन काम बड़ा मुश्किल होगा। और ये जब मुश्किल आप करेंगे तब आपके गले में एक मजबूती पैदा होगी, आपके काम में, आपके स्वर में बढ़त होगी। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा और उस आसान से अलंकार को समझें कि कौन सा अलंकार है और कैसे उसे हम कर सकते हैं। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, सुनी मैं हरि आवन की आवाज। सीधे सीधे जब स्वर लगाने की बारी आती है एक के बाद एक, तो बड़ा आसान पड़ता है लगाना, यानी जॉइन कर करके उन स्वरों को हम गा लें तो हो जाता है, जिसे हम लड़ के अलंकार भी कहते हैं। एक वीडियो मैंने दिया था जिसमें मैंने अलंकार के प्रकार समझाए थे, जिसमें कई सारे प्रकार थे। मेरखंड पे भी बात की थी, उसमें मैंने बल के अलंकारों पे बात की थी, मैंने लड़ गुथाव पे बात की थी, लीपिंग अलंकार, कूद कूद के स्वर लगाना, उस पे बात की थी, और जो नॉर्मल हमारे अलंकार होते हैं वो तो बताए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको वो अलंकार करके दिखाऊं, सा ग रे मा। अब आप देख रहे हैं इसमें स्वर का जो कूदना है, जितना ऊंचा के जितना दूर स्वर कूदेगा उसके लिए स्वर की दूरी का अंदाज़ा होना ज़रूरी है। अगर मैं तानपुरे पर भी अगर इसी अलंकार को गाऊं तो सा ग सा मा सा पा सा धा सा, तो ये जो मैंने सा से सीधा ध पे कूदा, इसका अंदाज़ा मुझे होना चाहिए कि ध है कितना दूर एक्चुअली में, क्योंकि देखा जाए जो तानपुरा चलता है तो उस पर सा और प मिल रहा है, तो अंदाज़ा ही तो है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वर की दूरी और लय की देरी का जो अंदाज़ा है वो हमें होना चाहिए कि स्वर कितने दूर हैं। अगर सा यहाँ है सा, तो रे इतना ही ऊँचा होगा या सा रे यहाँ होगा, कौन सा स्वर कितना दूर है ये पता तो करना पड़े। पहले हारमोनियम के थ्रू हम इसको पता करते हैं कि कौन सा स्वर कितना दूर है, उसके बाद हम तानपुरे पर उसी को गाने लगते हैं। ठीक है, तो आज इसी अलंकार को बात करेंगे, लेकिन इसको रियाज करने के लिए एक सरल तरीका मैं आपको समझाऊंगा। और सरल तरीका समझाने से पहले मैं इस अलंकार को आपको समझाऊं कि जो आप पहला अलंकार गाते हैं सा रे ग म प ध नि सा, और फिर आप गाते हैं सा रे ग रे ग म ग म प। अब करना कुछ नहीं है, बस यही सारे ग रे ग म ग म प में बीच का सुर अगर गायब कर दो तो क्या बनता है, सा ग। रे हटा दिया, रे ग म रे म ग म प ग प म प ध म ध प ध नि प नि धनी सा ध सा, है ना, बीच बीच के सुर हटा देगा। अब ये सारे गम रे गम प ग म प जाता है सारे गम रे गम प, इसमें भी यही हुआ कि बीच के दोनों सुर हटा दिए तो बना सा म रे गम प रे प ग म प ध ग ध म प ध नि म नि प ध नि सा प सा, बीच बीच के सुर गायब कर दिया। फिर सारे गम प सारे गम प सा प रे गम प ध रे ध गम प ध नि ग नि म प ध नि सा म सा। इस तरह से आपने बीच बीच के स्वर जो है स्किप किया और फिर स्टार्ट और एंड नोट लगाया। इस ही तरह से इस अलंकार का रियाज करना है जब तानपुरे पर करें या फिर हारमोनियम पर करें, कि एक बार उसे गाइए सा रे ग, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे, रेगुलर तो लगा लोगे ना सा रे ग, फिर लगा के देखो सा रे ग सा ग, पहला और आखिरी नोट रे ग म रे म।
अब फिर से गाओ सा ग रे म ग म प ग प। अब तीनों को जोड़ो सा ग रे म ग प म प ध म ध सा ग रे म ग प म ध प ध नि प नि सा ग रे म ग प म ध प नि ध नि सा ध सा सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा। इसी तरह से उल्टा सा नि ध सा ध नी ध प नी प ऐसे उतर उतर के जाओ। फिर चार का कर लो सा रे ग म सा म रे ग म प रे प ग म प ध ग ध म प ध नि म नि प ध नि सा प सा। ऐसे ही करते 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 आप आगे बढ़ो सा रे ग म प सा प रे ग म प ध रे ध ग म प ध नि ग नि म प ध नि सा म सा सा नि ध प म सा म नि ध प म ग नि ग ध प म ग रे ध रे प म ग रे सा प सा। ठीक है, अब यही करते करते एक बार तो जॉइन जॉइन करके किया, फिर अलग अलग करो सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा सा म रे प ग ध म नि प सा सा प रे ध ग नि म सा सा ध रे नि ग सा। तोड़ तोड़ के करके देखो, फ्लो में मत गाओ ऐसे जैसे अभी मैं गा रहा हूँ, तोड़ तोड़ के वो करके देखो, वरना फ्लो में गाओगे तो सा ग रे म ग प म ध इसमें क्या होगा, एक गीत की तरह आप इस अलंकार को याद कर लोगे तो हो सकता है कि स्वर फिर भी लग जाए, लेकिन इसको तोड़ दो तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। सा ग तो सीधा लगेगा वो सा ग, और इसी का एक छोटा वर्जन होता है जो करते हैं लोग सा रे सा ग सा म सा प सा ध सा नि सा 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 रे सा ग सा म सा प सा ध सा नि सा सा। इसको जितना स्लो करो उतना अच्छा। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि भाई पहले हम हारमोनियम के साथ कर रहे हैं फिर हम तानपुरे पर करेंगे, तो तानपुरे पर कैसे हो? हारमोनियम अपने साथ रखते हुए थोड़ा थोड़ा उसे जांचते रहो। जैसा एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में एक स्टूडेंट को मैंने बताई थी, वो लय की थी, वही स्वर पर मैं अप्लाई कर दूंगा। मैंने बोला घड़ी के सेकंड के कांटे के साथ घड़ी को अपने साथ रखो, और ऐसी घड़ी जिसमें एनालॉग क्लॉक यानी सेकंड का कांटा चलता हो लेकिन आवाज़ ना आती हो। आवाज़ आएगी तो आप सुन के उसकी लय में रहोगे, आपको देखकर उसकी लय में रहना है। उसको देखे जा रहे हैं, उसके साथ एक मिनट तक पूरा बोला, वीडियो रिकॉर्ड करो अपना ये काम करते समय, उसके बाद आँख बंद कर ली और आपको पता नहीं उसका साउंड नहीं पता, लेकिन जो एक मिनट आपने बोला था अगला मिनट बिना उसे देखे उसी लय को कंटिन्यू रखने की कोशिश में बीतेगा आपका। समझ रहे हैं? पहले एक मिनट तक किया, देखा एक दो तीन चार, फिर आंख बंद कर दी दो तीन, लेकिन वो लय बनी हुई है और देखना है कि वो कब तक आपकी लय टिकती है। और इसका वीडियो जब आप बनाएंगे तो वीडियो में देखेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये सेकंड की कांटा अलग जा रहा है, मेरा अलग जा रहा है।
है कि नहीं। ये सेम चीज एक स्टूडेंट को जब मैंने बताई तो बोले कि हाँ मैं मेट्रोनोम के साथ जरूर ये करता हूँ कि ईयरफोन लगा लेता हूँ मेट्रोनोम के, उसके बाद 10 से 15 आवर्तन निकल जाते हैं किसी ताल के, फिर मैं कान से हटा देता हूँ और फिर उसी ताल को दोहराता रहता हूँ, फिर दोबारा कान में लगा के देखता हूँ कि मैं सही चल रहा हूँ उसके साथ या नहीं। यानी उसी के साथ चलते चलते एक बार आंख बंद कर लो और फिर उसके साथ चलना शुरू करो तो पता चलता है कि लय बनी हुई है कि नहीं। सेम चीज स्वर के साथ करो, सा लगाया सा सा, फिर साथ में लगाया सा 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 ग, तीन तरह से किया मैंने, पहले बजाया फिर साथ में गाया सा ग, फिर छोड़ दिया सा ग, जिसमें तानपुरा चल रहा है मेरा साथ में, है ना। तो ये काम आप करो। जैसे एक छोटा सा फनी वाक्य बताऊं, हमारी जो संगीत धारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसी पर एक व्यक्ति हैं जो सिखाते हैं, बीरेन प्रधान, जो उड़ीसा से हैं, जिनका भी मैंने हाल ही में भी एक वीडियो दिया था उसमें भी जिक्र किया था। तो उन्होंने ये एक्सरसाइज अपने बच्चों को वो फन तरीके में बताते हैं कि तुम तो सा लगाओ, एक कमरे में सा लगाओ, उसको सुनो और दूसरे कमरे में भाग जाओ, अब बजा नहीं रहे, और वहाँ जाके सा बोलो और दोबारा आओ, वहाँ आके सा बोलो और जांचो क्या तुम्हारा वो सा टिका हुआ था, यहाँ था कि नहीं, है ना। तो ये वही चीज़ है कि आप उसे सुने, फिर बंद करें, गाएं, दोबारा सुन के जांचें कि क्या आपने सही सुना था, उसको जांच लीजिए। तो ये जांच जो है हो जाएगी, और ये दूसरे पेज का जो अलंकार है स्वरांगिनी हमारी जो किताब है, ये आपको बड़ी सहायता करेगा। सागर रे म ग प म ध, ये बढ़ते 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 पूरा एक एक सप्तक कूदता है, फिर ये बढ़ता भी जाता है सा रे, ऐसे भी जा सकते हो। डायरेक्ट वो सुर लगा के देखो कि जाता है कि नहीं, इससे आपको मालूम चलता है कि वो सुर की दूरी कितनी है, है ना। और यही मैं लय के लिए भी एग्जांपल देता हूँ कि ठा दुगुन तिगुन चौगुन पांच गुन तो सब लोग कर लेते हैं, मतलब पांच गुन नहीं तिगुन नहीं करता यार कोई, ठा दुगुन चौगुन ही करते हैं, लेकिन ठा से चौगुन कूदो, है ना, या ठा से छः गुन कूदे फिर दो गुन में कूदे, दो से आठ गुने में कूदे, आठ से तीन गुने में आए, तीन से ठा में आ गए दोबारा। तो ये जो जंप्स हैं ये आपको मदद करते हैं कि वो आपका अंदाज़ा सटीक है या नहीं उसकी जांच करने में। तो ये अलंकार भी वही करता है। फिर इस अलंकार को लोग कई कई तरीके से करते हैं, जो मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने पंडित अजय चक्रवर्ती जी और कौशिकी चक्रवर्ती जी का एक अलंकार मैंने उसमें समझाने की कोशिश करी थी, जो मैंने उनके वीडियो में देखा था, वो भी ऐसा ही कुछ था शायद कि सारे ग म सा म, है ना, उसमें भी कूदना ही था, सारे ग म सा म रे ग म रे ग म प रे पा, ऐसा शायद कुछ था, या सारे ग म सा पा सारे रे ग म प रे धा, मतलब जंप था। तो कुल मिला के उसका रूट मैंने निकाला कि ये जो है कूदने की बात है, जो लीपिंग अलंकार जिसे कहेंगे, छोड़ छोड़ के गाने का कहेंगे, इससे जांच होती है और इससे मजबूती आती है, तो वो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कुछ मैं बातें इसमें बता चुका हूँ, इस अलंकार को करिए। और इसमें कुछ जैसे एक बल की चीज़ आती है जो भेंडी बाजार घराने की खासियत है, जिसमें यह रहता है जो मैंने अलंकार इंस्ट्रूमेंटल के लिए बताया है लेकिन वो गाने में भी आता है, कि एक एक सप्तक आपको कूदना है और रिटर्न आना है। जैसे सा सा नी धा प म ग रे, एक सप्तक कूदे फिर अवरो आए, सा सा नी धा प म ग रे, रे रे सा नी धा प म ग, ग ग रे सा नी धा प म, म म ग रे सा नी धा प, प प म ग रे सा नी धा, ऐसे करना है। और इसी का उल्टा भी, सा सा रे ग म प ध नी, नी नी सा रे ग म प ध, द ध नी सा रे ग म प प, प ध नी सा रे ग म, एक एक करके नीचे भी उतरना है और ऊपर भी जाना है। क्या किया मैंने, सा सा नी धा प म ग रे, रे सा नी धा प म ग, तो ये गवता ऐसा है एक्चुअली में, सा 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 ने द प म ग रे, रे रे सा ने द प म ग, ग ग रे सा ने द प म, पूरा का पूरा सप्तक कूदे। ये एक बल का अलंकार होता है, है ना। और इसका ही मैंने एक पहले भी दिया हुआ है उल्टा करने वाला, तीन अलंकारों को उल्टा कर दो, ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नी ध प सा नी ध म ग रे सा प म ग रे। इसमें भी देखा जाए तो देखिए ना, जंप ही तो है, लेकिन इन सारे अलंकार ये बाद के अलंकार हैं, इनकी जड़ कौन सा अलंकार है वो अभी मैंने आपको बताया, सा ग रे म, ये जड़ है, है ना। यहाँ से शुरू करेंगे सा प रे ध, यहाँ से शुरू करेंगे तो बढ़ते बढ़ते इन कॉम्प्लिकेटेड अलंकारों तक भी चले जाएंगे। तो अलंकार आसान है, तरीका भी मैंने आसान करके समझा दिया कि उनके बीच के स्वरों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद उनको हटा दो। जैसे सा रे ग सा ग रे ग म रे म, तो आसान पड़ेगा एक बार करने को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर थी। और भी कई सारे वीडियोस हैं हमारे जिसमें मैंने अलंकार भी बताएं, कई टॉपिक समझाएं, ऑनलाइन क्लास है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऑडियंस जो है
वो बढ़े और शास्त्रीय संगीत को, जो सच्चे शास्त्रीय संगीत को पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे म्यूज़िक लर्नर्स के साथ, म्यूज़िक के म्यूज़िकल बडीज़ के साथ, दोस्तों के साथ जो सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ताकि कुछ मैं भी मदद कर रहा हूं अपनी तरफ से। मैं भी एक शागिर्द हूं शास्त्रीय संगीत का, एक स्टूडेंट हूं, तो बस मैं जो सीखता हूं मैं आप लोगों की तरफ बढ़ा देता हूं। तो अगर ये वीडियो अगर आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो आप भी वही मदद का काम करेंगे। जैसे कि भाई मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो देना सीख लो लोगों को, है ना। अगर संजोगे, खुद के पास रखोगे तो फिर बड़े नहीं बनोगे। ठीक है, तो अगर आप महान बनना चाहते हैं तो ग्रेटनेस की वही परिभाषा होती है कि दूसरों को जो आपके पास है वो दीजिए। तो हम भी बस वही कर रहे हैं, देने का ही काम कर रहे हैं। शुक्रिया।